आज कक्षा 6 एनसीईआरटी की बुक्स का पहला चैप्टर नोइंग योर नंबर्स, अपने संख्याओं को पहचाने, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए नव भारतीय स्तरीय सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं। नोइंग आवर नंबर्स, हम अपनी संख्याओं को पहचानना, अपनी संख्याओं को जानें, अपनी संख्याओं को हमें जानना है। ये क्लास 6 का लेसन है। आप लोग जैसे कि पढ़ चुके हो कि नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार से। ये क्या है? काउंटिंग है, गिनती है। इन्हीं को नंबर्स है, ये नंबर्स है। ये नंबर्स चलते 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 आपके 100 आ जाते हैं। 100 के बाद भी नंबर्स होते हैं, आपने पढ़ चुके हैं 101, फिर 102, 103, 104, 105, ऐसे ऐसे। फिर कहां तक जाते हैं? 100 के बाद में 200, 300, 400, 500, 600, है ना, इस प्रकार से 1000 तक पहुंचते हैं। फिर नंबर आते हैं हमारे 1000 साल होते हैं, 1000, 1001, 1002 चलते रहते हैं, 1100, 1101 चलते रहते हैं, ऐसे, है ना। फिर इस प्रकार से आगे चलते हैं 10,000 आते हैं, है ना, ऐसे करके नंबर बढ़ते हैं। तो इन नंबर्स को हमें जानना है। और आपका कंपेयरिंग नंबर, संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना करना। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें किसने दे रखा है, इसमें कुछ संख्याएं हैं, 4 संख्याएं दी हुई हैं, 92, 392, 4456, 89,742, इस प्रकार से। ये 4 नंबर दिए हैं, इन 4 नंबर में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, इस प्रकार से पता करना। बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं उन नंबर्स के हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें देखिए 2 डिजिट हैं, एक तो डिजिट ये रहा, दिस 2, एक डिजिट ये रहा। तो डिजिट कितने हैं इसमें, और अंक कितने हैं इसमें, अंक है 2, 2 डिजिट। इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है। तो सबसे पहला काम करना है नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या काउंट करनी, कितने डिजिट है, जिसके सबसे ज्यादा डिजिट है वो सबसे बड़ी, तो इसके सबसे डिजिट है, तो ये होगी ग्रेटेस्ट, ये होगी ग्रेटेस्ट, राइट? कोई समस्या? सबसे बड़ी संख्या ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें इसकी भी 4 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, इसके भी 4 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, सबके 4-4 डिजिट है। इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए ये जो पहली संख्या होती है ये तो वंस के लिए होती है, दूसरी संख्या होती है ये होती है टेंस की, तीसरी होती है हंड्रेड्स की, चौथी होती है थाउजेंड की। पहली संख्या वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड। तो थाउजेंड वाली संख्या को देखेंगे आप, इसमें बड़ी कौन सी है? वन है, 9, 9, 9, इनमें बड़ी कौन सी है? 9 बड़ी है। तो फिर ग्रेटेस्ट इन 3 में से एक होगी। अब इन 3 पे हमें ध्यान देना है, फोकस करना है। इसके बाद में हम देखते हैं ये थाउजेंड्स वाला नंबर हमने चेक कर देख लिया। अब हम इसके बाद में जो हंड्रेड्स नंबर डिजिट है, ये हंड्रेड्स के प्लेस पे जो है डिजिट, इस डिजिट पे हम ध्यान देंगे। तो हंड्रेड्स वाले डिजिट पे देखेंगे, इसके अंदर 2 है या 0 है या 2 है। तो 2 ज्यादा बड़ा हुआ ना, तो 2 ज्यादा बड़ा हुआ, तो हम इस पे और इस पे, इन दो नंबर पे, इन दो नंबर पे हम फोकस करेंगे। इनमें से कोई ग्रेटेस्ट होगी, बड़ी संख्या इन दोनों में से एक होगी। अब आगे आते हैं टेंस पे, यहाँ पे 0 है और यहाँ 1 है, तो इनमें से बड़ी कौन सी है? 1, तो ये बड़ी, ये वाली आपकी सबसे बड़ी संख्या आपकी इन 5 में से, राइट?
चलिए आगे हम और इसके बाद में हम कुछ आपको दे रहे हैं, इनमें से ढूंढने हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहां तो इन्होंने आंसर दे दिया है कि इज द ग्रेटेस्ट एंड 18 इज द स्मॉलेस्ट। डिजिट काउंट करने थे, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 2 डिजिट है, 5 डिजिट है और 3 डिजिट है। तो सबसे बड़ी में सबसे अधिक, जिसमें सबसे पहला नियम क्या बताया था मैंने, सबसे पहले हमें डिजिट काउंट करने हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा जिसमें डिजिट नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा किसमें है, इस वाली संख्या में। तो ये हो गई आपकी ग्रेटेस्ट, ठीक है। और सबसे कम डिजिट किसमें है, इसमें है। तो ये वाली नंबर ऑफ का हो गया स्मॉलेस्ट। ऐसे इसमें देखना है, इसमें डिजिट नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लीजिए, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट। तो सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है, इसमें है। तो ये तो हो गई आपकी ग्रेटेस्ट। इसमें सबसे कम डिजिट है इसमें और इसमें, इन दोनों में से एक होगी आपकी स्मॉलेस्ट। अब देखना क्या है, सबसे पहले इधर वाला नंबर, इन दोनों का डिजिट बराबर है तो इधर वाला सबसे सबसे लास्ट वाला सबसे पहले वाला नंबर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले वाला यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है। तो 1 और 3, 1 3 में से बड़ी कौन सी है, 3 बड़ी है। तो ये और ये छोटी है, इन दोनों में से एक संख्या छोटी होगी, सबसे छोटी कौन सी है, ये होगी। तो ये आपकी हो गई स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, ठीक है। ऐसे ही दोनों संख्याओं को भी आपको खुद देखना है, देख लेते हैं। चलिए नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5, 3 डिजिट। सबसे ज्यादा डिजिट इसमें है, तो ये तो हो गई आपकी ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए 3 डिजिट वाली, दिस और दिस में से 2 स्मॉलेस्ट होगी, इनमें से 1। तो सबसे इधर वाला नंबर देखते हैं, 1 है, इसमें 4 है, तो ये वाली आपकी सबसे स्मॉलेस्ट होगी। लास्ट 4, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 4 है, नंबर 5 4 है, 4 है, 5 है और 3 है। तो सबसे ग्रेटेस्ट तो ये होगी, तो ग्रेटेस्ट तो आपकी आ जाएगी 12002। और सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगी आपकी डिजिट सबसे कम इसमें, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे कम डिजिट इसमें 1 2 3 में, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो बहुत आसान बात है, जिसमें ज्यादा डिजिट होते हैं वो सबसे बड़े, जिसमें कम डिजिट होते हैं वो सबसे छोटे। अब नंबर ऑफ डिजिट बराबर हो, समान हो इसके तरह, तो फिर हमें देखना चाहिए सबसे इधर वाली संख्या, सबसे लास्ट वाली संख्या में बड़ी कौन सी है। जो बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी। अब ये भी बराबर है तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखिए, ये वाला नंबर चेक करना चाहिए, इसमें जो बड़ा वो बड़ी, तो ये दोनों बड़ी हो गई, वो भी इन दोनों में सेम आ गया, उसके बाद नेक्स्ट वाला नंबर देखना चाहिए, ये होगी, तो ये बड़ी, ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रेटेस्ट चलती है, तो ये हम समझ चुके हैं। चलिए आगे हम चलते हैं, आप इन नंबर को एसेंडिंग ऑर्डर्स में और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करें, एसेंडिंग बढ़ते क्रम में। और डिसेंडिंग घटते क्रम में, इनको अरेंज करें, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेते हैं 8 4 7 9 7 5 4 8 3 2 0 और 5 7 1 575। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इन पे क्रम लगाने चाहिए कि सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी। तो सबसे बड़ी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी सबसे पहले लेंगे, सबसे छोटी वाली का नंबर 1 लगाएंगे। तो डिजिट काउंट करते हैं, इसमें 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है। जिसमें कम डिजिट है वो सबसे छोटी होंगी, ये दोनों छोटी होंगी, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी, ये देखो यहाँ 8 है और यहाँ पर 5 है, तो ये सबसे छोटी होगी, तो ये नंबर 1 पे है, सबसे छोटी हुई ना 5, सबसे पहले उसको लिख देंगे हम। अब हम आंसर लिख रहे हैं इन एसेंडिंग ऑर्डर, तो 5 7 1 सबसे पहले जाएगी, है ना, इन एसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं।
10 चल रहे, फिर इसके बाद में इससे बड़े नंबर 2 ये वाले, तो ये नंबर 2 कैसे 8 4 7, फिर अब इन दोनों में से देखना है छोटी कौन सी बड़ी कौन सी, या 9 है या 8 है, ये छोटी हुई ना तो ये ऐसे ही, सबसे बड़ी ये संख्या हुई 9 7 5 4। इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम में लगा, ये बी वाला इसके लिए आप कोशिश करिए, मैं नहीं बता रहा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट का एक था, अब हम सेकंड का एक आते हैं। आपके पास संख्या है 5000 7500, फिर है 85400, फिर संख्या है आपके पास 7861। ये चार संख्या है, इनमें आपको जमाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी लेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से घटते हुए क्रम में जमाएंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी, हम पहले डिजिट काउंट करते हैं। इसमें है 4 डिजिट, इसमें है 4 डिजिट, इसमें है 5 डिजिट, इसमें है 4 डिजिट। तो सबसे बड़ी संख्या 5 डिजिट वाली होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। तो ये नंबर 1 पे आएगी आपको इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी, तो ये 85400 सबसे पहले लिखनी है, राइट। इसके बाद में आपको लिखनी है इससे जस्ट छोटी, मतलब इन बाकी की बची हुई तीन में बड़ी कौन सी है। तो ये चार डिजिट की है, तो डिजिट के अंदर तो बड़ा बराबर है, तो हमें सबसे पहले सबसे इधर बड़ा नंबर देखना है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, इन दोनों में से कोई एक होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। तो इसके बाद में आप 7 7 है, तो इसके नेक्स्ट वाला डिजिट देखते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, 8 और 5 में से बड़ी कौन सी है, दिस 8। तो ये नंबर 2 पे आएगा, ये नंबर 1 पे थी, नंबर 2 पे आएगी, वही नंबर 3 पे आएगी, बच गई वो नंबर, बोलते रहिए, लिख लीजिए 7861। इसके बाद में नंबर 3 वाली 7500, फिर सबसे लास्ट में ये नंबर 4 वाली 5000। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा डिसेंडिंग, राइट। चलिए आगे हम चलते हैं, ये न्यूमेरेशन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, भारतीय तरीके से इनके हम नंबर के नेम, नंबर्स के नेम कैसे देते हैं ये हम देखते हैं। यहां पर आपको देखो, इसमें फर्स्ट कॉलम में तो नंबर दिया हुआ है, हम जब कोई भी नंबर होता है उनको किस प्रकार से हम करते हैं, जो लास्ट वाला है 3, ये 3 यहां लिखा है, वंस, ये है वंस, वंस हिंदी में इसे बोलते हैं इकाई, ये टेंस दहाई, ये हंड्रेड्स, दिस एच, एच है हंड्रेड्स, हिंदी में सैकड़ा। इसके बाद में आपके है टी एच, इसे बोलेंगे थाउजेंड्स, मतलब हजार। इसके बाद में 10,000, इसके बाद में है लाख, और इसके बाद में 10 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो ये जो नंबर लिखा है, इस नंबर को उसके हिसाब से हम इनमें क्रम से लिख देंगे। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना प्रारंभ यहां से करेंगे, जब सबसे लास्ट वाला है, सबसे इधर जो सबसे फर्स्ट है उसे स्टार्ट करेंगे। तो लैक में कहते हैं 7 लैक, ठीक है। 3, अब 10,000 में 3 है, 1000 दोनों मिला के 1000 को पढ़ेंगे,
दोनों मिला के 1000 थ्री और ये फोर मिलके क्या हो जाएंगे 34 तो वो ये थ्री तो हो गया 30 दिस इज थ्री सेवन था ये थ्री फोर है दिस 34,000 ठीक है देन फाइव है ये फाइव दिस इज फाइव 500 ठीक है और लास्ट में आ गया आपका ये 43 राइट ऐसे नंबर हम देखें इसका एक्सटेंशन करना चाहें तो 7 लैक है ना 1 2 3 4 5 उसके बाद 5 डिजिट है ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 लैक फिर 30,000 फिर 4,000 फिर आपकी 500 फिर 40 50 7 lakh 34,000 30,000 प्लस 4,000 34,000 543 हिंदी में बोलेंगे तो 7,34,000 34,000 दोनों को मिला के बोलना है सर दोनों को मिला के बोलना 543 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले को लिखते हैं यहां देखते हैं ये लैक जैसे 10,000 6,000 को साथ में आता है इसको साथ में गिनेंगे लैक और 10 लैक ये क्या है 10 लैक थ्री है 3 10 मतलब कितने को 30 हो गए 3 10 कितने हो गए 30 3 × 10 कितने हो गए 30 तो 3 10 30 और 2 मिला के कितने हो गए प्लस ये प्लस 2 हो गए कितने हो गए 32 दिस इज 32 तो यहां लिखेंगे हम 32 lakh lakhs ठीक है देन फिर क्या थाउजेंड्स का लिखेंगे ये क्या है 710,000 मतलब 70,000 और ये 5,000 ऐड हो गए 75,000 75,000 ठीक है देन 829 तो क्या होगा 800 EIGHT 800 एंड लास्ट में ध्यान देना लास्ट के जो डिजिट होते हैं एंड लगा देना चाहिए नहीं लगाएंगे तो भी सही या नहीं लगाया लेकिन लगा देते हैं लास्ट में एंड 29 तो ये आपका नंबर नेम हुआ राइट क्लियर नीचे सिमिलरली वी में इंक्लूड नंबर्स अप टू क्रॉस या क्रॉस देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख यहां तक तो हमने ऊपर पढ़ लिया है यहां पर पढ़ लिया था ना नीचे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दिस इज ये और निकल गया है सीआर करोड़ और टीसीआर 10 crore ठीक है करोड़ 10 crore भारत की जनसंख्या कितनी है 132 crore राइट तो इकाई वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स लैक 10 lakhs करोड़ 10 crore चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर हम देखते हैं दिस इज ये वाला करोड़ पे कितना है 2 तो इसको यहां लिख देता हूं मैं 2 crore क्रॉस हम 2 फिर लैक दोनों मिला के सब पड़ेंगे 5 10 7 57 57 फिर थाउजेंड्स ये मिला के दोनों
34 34 thousands. फिर 500 500 फिर 43 43 या आप कौन इसके पहले एंड लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है, एंड 43 लेकिन हमें अच्छा लगता है हम इसी प्रकार से इसको लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया इंडियन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, राइट। अब हम आते हैं इसके आगे, ये कुछ नंबर्स हैं जिन्हें आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं, जिन्हें आप करें। एक मैं कर देता हूं, इसको ध्यान से देखना है, कैसे काउंट करना है। ये वन में आएगा, सबसे पहले एट लिखेंगे वन में, फिर फाइव टेंस में लिखेंगे, फिर थ्री लिखेंगे, लिखते जाएंगे जैसे, फिर फोर है, फिर सिक्स है, फिर ये टू है, फिर ये फाइव, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, 5,26,000 26,000 फिर क्या है 52 लाख, ये दोनों मिला के खाना है सर, ये थोड़ा सा कम हुआ। इसके अंदर हम करेंगे सिर्फ 8 को लिखेंगे हम यहां, 5 को इस जगह, 3 नेक्स्ट में, फिर 4 यहां, फिर 6 यहां, फिर 2 यहां, और सबसे लास्ट में 5 को यहां। ऊपर देखेंगे 1,10,100,10,0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 00,10,
लिखिए तो ये रहेगा राइट। लिखना कैसे, ये 5 10 लाख और 2 लाख 52 लाख हो गया, तो ये तो हो गया आपका 52 लाख ठीक है। ये हो गया आपका 64,000, तो यहां लिखना चाहिए सही है ना, 52 लाख एंड 64,000 फिर 358 एंड 58 ठीक है। तो ये आपको प्लेस पे जुड़ जाना है, इस लास्ट में प्लेस पे कैसे लिखेंगे देखो, पहले सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अंक को लिख देना 52,64,358 इसको लिखा पहले वो 5 को, कितने जीरो है, ये 0000000 जो है ना उनकी जी जीरो एफ के नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, फिर लिखो 2 फिर कितने जीरो है लिख लो, फिर लिखो 6 फिर जीरो लिख लो, फिर लिखो 4 जीरो लिख लो, 3 जीरो लिख लो, 5 जीरो लिख लो, ये प्लेस 8, 8, 50, 300, 4,000, 60,000, 2 lakh, 50 lakh ये सभी प्लेस वैल्यू है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू 50 lakh, 2 की प्लेस वैल्यू 2 lakh, 6 की प्लेस वैल्यू 60,000, 4 की प्लेस वैल्यू 4,000, 3 की प्लेस वैल्यू 300, 5 की प्लेस वैल्यू 50, 8 की प्लेस वैल्यू 8, ऐसे कितने प्लेस वैल्यू लिखना है, ये सब आपको करना है। मैं चलो एक और कर देता हूँ, ये वाला है इसमें 5, सबसे पहले 5 लिखना, 0000005 ध्यान देना, मिला कितना 50 lakh,
1000 में कुछ नहीं है तो 50 लाख लिख देते हैं, 50 लाख। आगे थाउजेंड्स में क्या है, थाउजेंड्स में कुछ नहीं है, जीरो है, थाउजेंड लिखने की जरूरत नहीं है। हंड्रेड में क्या है, कुछ नहीं है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं। टेंस में कुछ नहीं है, वंस में फाइव है, तो 50 लाख एंड फाइव। या जहां कुछ नहीं है, जहां जीरो है, वहां कुछ नहीं लिखना, छोड़ दीजिए, राइट। आप इससे इस तरह से करेंगे बाकी, है ना। चलिए ये इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, अंक संख्याओं को लिखने का, संख्याओं को लिखने का अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तंत्र सिस्टम तरीका, ठीक है। चलिए इसको, इसमें क्या करते हैं, देखिए हंड्रेड्स के लिए तीन डिजिट होंगे, इसमें सब में तीन डिजिट होंगे, तीन तीन डिजिट सब में होंगे, सब में तीन डिजिट होंगे, एक डिजिट नहीं लेना, सब में तीन। देखिए कैसे करते हैं, तो कोमा वैसे लगा रखिए, ये 600 फिर 325 फिर 623 फिर 847 और सबसे लास्ट में 523। लिखेंगे कैसे, 523,847,623,325,000 और 653 hundreds को लिखेंगे कैसे, 523 ट्रिलियन ट्रिलियन, देन 847 बिलियन 847 बिलियन, फिर 623 मिलियन, तेईस मिलियन, फिर 325 थाउजेंड्स, पच्चीस हजार व 653 राइट। इस प्रकार से लिखेंगे, चलिए इकाई को लिखते हैं, ये वाला 857 तो इसमें लिखेंगे, फिर 500 फिर ऐसे इसमें लिखेंगे, फिर 325 इसका इधर कुछ है, ठीक है, मिलियन तक है, 325 मिलियन 325 मिलियन, फिर क्या है 563,000 लास्ट में क्या है एंड 856 एंड 856 राइट। तो इस प्रकार से हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिक्स भी करते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 करने की स्थिति में है। आपको पहला क्वेश्चन दिया फिल इन द ब्लैंक्स, वन लैख वन लैख कितने कितने 10,000। देखिए हम लिख लेते हैं यहां 1 लैख लिख लेते हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, लाख में बना जाएगा, ठीक है। ये वन लैख, वन लैख थाउजेंड, देखो ये लैख है, ये टेन थाउजेंड है, ये थाउजेंड है, ये हंड्रेड है, ये टेन से, ये वन से। इसने पूछा इस वन लैख में कितने टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड कितने हैं, टेन थाउजेंड तक का लो, तो टेन टेन थाउजेंड, तो यहाँ कितना जाएगा टेन। वन मिलियन में कितने हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, देखिए मिलियन तक पहुंचना है, तीन तो कितने थे हंड्रेड्स के, तो तीन कितने थे थाउजेंड्स के, फिर तीन किसके थे मिलियंस के, तो मिलियंस यहाँ पे वन आएगा, मिलियन, थाउजेंड्स और ये हंड्रेड्स, राइट। इसने पूछा वन हंड्रेड थाउजेंड, तो वन हंड्रेड थाउजेंड, वन हंड्रेड थाउजेंड में कितने मिलियन, वन मिलियन में कितने वन हंड्रेड थाउजेंड हुए, जो वन मिलियन, वन हंड्रेड, वन हंड्रेड, वन हंड्रेड, हंड्रेड थाउजेंड, वन हंड्रेड, हंड्रेड थाउजेंड, राइट। टेन लैख में कितने करोड़, वन करोड़, इकाई, थाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैख, टेन लैख और करोड़, वन करोड़, कितने टेन लैख, टेन, टेन लैख गिर, ठीक है, टेन लैख, इस टेन लैख, ये करोड़ कितने करोड़, टेन करोड़, राइट। वन करोड़ कितने मिलियन, वन करोड़, दिस इज वन करोड़ था ना, कितने मिलियन, मिलियन के लिए तीन दिन का बनाते हैं इस, दिस, तो ये तो हंड्रेड्स हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में, ये थाउजेंड्स हो गया, और तीसरा मिलियन आता है, यहाँ जीरो हो गया, तीन का मिलियन है, कितने मिलियन है, टेन मिलियन। वन मिलियन में कितने लैख, वन मिलियन में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और वन मिलियन, ये वन मिलियन है ना, वन मिलियन, वन मिलियन में कितने लैख, तो लैख काउंट करने के लिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैख और टेन लैख, तो टेन लैख में टोटल, ठीक है, तो टेन लैख, इस प्रकार से आपको इनको करना है, राइट। सेकंड, प्लेस कॉमन करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरिक्स, प्लेस कॉमास करेक्टली, कॉमा लगाना है, 73 लाख, लाख के बाद कॉमा लगा दीजिए, 75,307 लिखना, 73 लाख, 73 लाख कॉमा, 75,000, 75,000 कॉमा, 307, ये शब्दों में लिखे हैं, इन्हें आपको अंकों में लिखे हैं, ये दिस इज, ये आपको ये है लिखे हुए सारे इन वर्ड, आपको इन डिजिट्स लिखे, राइट। ऐसे इसको करेंगे, इसको 9 करोड़ 5 लाख 41 करोड़ कितनी प्लेस वैल्यू कितनी है, तो ध्यान देना है, इसमें आपने केवल केवल 9 लिख के 45 लाख लिख के 41 लिख के कर देंगे तो सही होगा नहीं, 41 9 करोड़ से स्टार्ट करेंगे, 9 करोड़ अब 10 लाख आता है इसके बाद में, देखो ध्यान से देखा ना, हमने करोड़ की बात करा 10 लाख, फिर लाख आता है, इसमें क्या है 5 लाख है, 10 लाख के लिए कुछ नहीं है, तो जीरो, फिर लाख की जगह 5 लाख है, 5 लाख दिस, है ना, फिर आगे लाख हो गया, लाख हो गया, अब 1000 देखते हैं, 1000, 10,000, 1000, 1000 कुछ है नहीं, तो दो जीरो है, 120, तो जीरो लगेगी, तो ये हो गया आपका 9 करोड़, लाख हो गया, ये 1000 का हो गया, 1000 के बाद में आप तीनों लिखते हैं, 41, 100 तो कुछ है नहीं, 100 कुछ नहीं है तो 40, ठीक है, ये, इसमें भी आपको इंसर्ट कोमा डालनी है, तो कोमा डालने तो तीन के बाद डालेंगे, ये सिस्टम, सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन है इंडियन, इंडियन, ठीक है, तो तीन के बाद, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद, फिर बाद, तो देखिए ये हो गया 8 crore 75 lakh 95,762, राइट। इसमें भी ऐसे करेंगे, तीन के बाद पहले कोमा, फिर दो करोड़ के कोमा, फिर दो करोड़ के, ये दो तो हो गया किसका, लैख का, ये दो किसका हो गया, थाउजेंड्स का, और ये हंड्रेड्स का है, 283 इस प्रकार से ना, तो ये हो गया 85,46,283, राइट। इससे भी कोमा लगाएंगे, तीन के बाद, दो के बाद, दो के बाद,
9 करोड़ 99 लाख 1000 में कुछ नहीं है 46, तो 9 करोड़ 99 लाख एंड 46 ये वर्ड्स लिखना है, 9 और 99 मत लिख देना, वर्ड्स लिखना है 9 करोड़ 99 लाख पूरा लिखना कंप्लीट, ठीक है। ये वाला इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम से लिखने से, ठीक है ना। इनको देखते हैं, ए 7 8 9 2 1 0 9 2, ठीक है, 9 2 1 0 9, इसको इंटरनेशनल सिस्टम थ्री डिजिट के बना देते हैं, वन बना दिया इसको बना दिया इसको। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका हंड्रेड्स का होता है, दूसरा होता है थाउजेंड्स का होता है, तीसरा होता है मिलियंस का, ठीक है। तो यहाँ पे था 78 मिलियंस, तो 78 GST मिलियन, फिर 921 thousands, फिर लास्ट में एंड 100 में कुछ नहीं 92 राइट। इस प्रकार से लिखना है, यहां भी आप लगा देंगे 3 का 3 का, तो 7,452,283 यहां पर लगा देंगे ऐसे, जैसे 48,49,831 राइट। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज वन आपको करनी है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप करिए, करने के बाद में मुझे शो करिए, दिखाइए, मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, कैसे भी करिए, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के भी पूछ सकते हैं, मेरे डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, राइट।